नहीं उनकी तो लोटू की पार्टी है। लोटे रंग बिरंगी लोटे हर बाथरूम में होता है, हर चौक में लोटे मिलते हैं। लोटू को कौन वोट देगा और उनके साथ खड़ा कौन होगा? शहीर शैलवी तो मतलब हमारे गिलगित में कहते हैं जो असल मरद है उसको बीरू कहते हैं। बीरू बीरू ये बीरू कसम खुदा के बीरू बंदा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं शहीर सियालवी साहब का, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ा जलसा है और सारे नौजवानों की ये पार्टी है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पब्लिक इकट्ठी करना ये आसान काम नहीं है। एक तरफ चावलों की देगे, बिरयानी की देगे, वलीमे का समा, मोटरसाइकिल की लालच और जन्नत के टिकट्स, ये दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या पैगाम देंगे आज जलसे के हवाले से? जी भाई, हम गिलगित चाहे ये शहीर सियालवी जो हमारे कायद है, बहुत नडर और बहादुर लीडर है, हम इनका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने फलस्तीन के हक में बात की है। बहुत बहादुर है हमारे काकर साहब और ये दूसरे बुजुर्ग लीडर, इन्होंने पाकिस्तान के फलस्तीन के हक में बातें ही नहीं की। इन लोगों ने कहा कि फलस्तीन इसराइल को भी मानो, फलस्तीन को भी तस्लीम करो। इन लोगों ने बहुत गलत किया फलस्तीन के साथ। ये लोग इसराइल से डरते हैं, इसराइल के गुलाम है, हम गुलामी मंजूर नहीं करते। और शहीर सियालवी भी इस्लाम की मर्द मुजाहिद है और इन्होंने हमेशा इसराइल का साथ, इसराइल के खिलाफ बात की है और फलस्तीन का साथ दिया है और साफ साफ इसराइल को एक पैगाम दिया कि तमाम मुसलमान इसराइल को मिटाने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान नहीं दे बल्कि इसराइल का नाम सफाई हस्ती से मिटा सकता है। पाकिस्तान के नौजवान इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एवं सारे एवं तैयार है इसराइल से लड़ने के लिए और पाकिस्तान के लोगों में, मुसलमानों में यह जज्बा है, इसराइल को एक घंटे के अंदर तबाह कर सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान बुजदिल है, हम शहीर सियालवी का साथ देंगे और इन्हें पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे ताकि हम फलस्तीन का खुल के साथ दे सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि गिलगित से आप आए हैं, तो गिलगित से अगर आप आए हैं तो इससे पहले तो बहुत सारी पार्टी हैं, जरदारी की पार्टी है, बिलावल की पार्टी है, मरियम नवाज साहिबा की पार्टी है, नवाज शरीफ साहब जहाद करके अभी वापस आए हैं, तो आप शहीर सियालवी साहब को क्यों पसंद करते हैं? हम इनको इसलिए पसंद करते हैं, अभी आपके पंजाब के मतलब सालाना फ्री आटे का आपका मतलब बजट है तकरीबन 460 अरब रुपए और गिलगित के सब्सिडी वाला जो आटा है उसका बजट मेरे ख्याल से एक साल में 12 अरब रुपए है ज्यादा से ज्यादा। तो इन लोगों ने कल क्या किया कि वो 12 अरब रुपए के जो सब्सिडी देते हैं, हमें लॉलीपॉप खिलाते हैं ये लोग, उन्होंने वो सब्सिडी भी खत्म की। हम शहीर सियालवी का इसलिए साथ देते हैं, इन्होंने दूसरों की तरह सिर्फ बातें नहीं की, इन्होंने अमली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का साथ दिया। इन्होंने हमें ये यकीन दहानी दिलाई है कि ये गिलगित के अवाम का साथ देंगे, ये गिलगित का नुमाइंदे, शहीर सियालवी गिलगित की नुमाइंदगी करेंगे और गिलगित वालों का साथ देंगे। हमने इसलिए इनका साथ दिया। बाकी दूसरे भी आए, नवाज शरीफ भैया हुआ लंदन का चोर और खोता भाग के लंदन जाके भागता है, तीन बार से भागा हुआ है वो, जो अपनी बीवी की जनाजे पे नहीं आ सका इस मुल्क में, वो मुल्क की हालत तब्दील करने के लिए क्या आएगा? वो डील करके इधर आया, डील करके इधर आया, वो कन्फर्म प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा, उसने डील किए, वरना वो जेल में होता है। इंटरनेट का बहाने करके मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, वो कहता है मेरे 6000 रुपए से इंसान जिंदगी से रह सकता है। उससे हमारा सबसे पहले सवाल ये है नवाज शरीफ से। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? गिलगित से आए हूं। क्यों आए हैं, क्या सोच के आए? ये निडर और बहादुर लीडर है इसलिए इसका साथ देंगे। कौन सी बहादुरी की है? बहादुरी ये कि इसने सारे आम का चुड़िया ला के हुक्मरान ये चुड़िया पहने, क्योंकि वो फलस्तीन का साथ नहीं देंगे, तो ये इसने कहा कि सारे आम अल्फाज में मैं फलस्तीन का साथ दूंगा और आखिर तक अपने खून के आखिरी कतरे तक उनका साथ दूंगा, ये बात मुझे पसंद आया। और अच्छा, मैं भाई आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल शहीर सियालवी साहब थोड़ी देर के लिए सोचें कि शहीर सियालवी साहब इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो रहे और आपने वोट देना है, एक तरफ जरदारी साहब है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब है और तीसरी तरफ इमरान खान है, आप इन तीनों में से किसको वोट देंगे? नहीं, अगर शहीर सियालवी खड़े नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इन तीनों में से इमरान खान बेहतर है। इमरान खान को मानेंगे जब तक जेल में ये डील नहीं करेंगे और जेल काटेंगे। तो ये बर्दगान ने भी जेल काटी, नेल्सन मंडेला ने भी जेल काटी, नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की तकदीर बदली और तैयब अर्दगान ने तुर्की में इंकलाब आया, तुर्की के हालात आज से 20 साल पाकिस्तान से बहुत बदतर थे। आज तैयब अर्दगान की वजह से तुर्की ने तरक्की की है। इंशाल्लाह अगर इमरान खान जेल में रहेंगे और डील नहीं करेंगे तो हम उनको अपना वोट दे देंगे। आपने बात की है कि जैसे कि वो जेल, उनको डेफिनेटली ऑप्शन है कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, लेकिन वो मुल्क छोड़ के नहीं जा रहे। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि खुदा के अलावा मैं किसी और से नहीं डरता,
आप क्या समझते हैं, आपकी उम्र तो इतनी नहीं है लेकिन तारीख आपने जरूर पढ़ी होगी, क्या जो मौजूदा जुल्म हो रहा है पीटीआई के साथ, पीटीआई वर्कर्स के साथ, इससे पहले कभी आपने देखा कि इतना जुल्म किया गया हो? ये जुल्म तो बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि किसी को भी पीटीआई का झंडा पकड़ देता की जरूरत नहीं है भाई, और इमरान खान के साथ तो बहुत ज्यादा जुल्म हुआ। हाँ, पीटीआई ने भी की होगी, बहुत सी गलतियां इन लोगों ने भी की है, बहुत सी गलतियां इमरान खान से भी हुई है, लेकिन इतनी गलती नहीं है कि आज इमरान खान की अगर पार्टी का कोई जलसा करने बाहर निकल जाए तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, उसका नाम निशान मिटाया जाता है, उसकी कब्रें तक नहीं मिलती है अगर खुला हुआ इमरान खान के बारे में बात करें तो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तरफ जहांगीर तरीन का जलसा हो, इस्तेहकाम पार्टी से बड़ा जलसा शहीर सियालवी ने नहीं कर दिखाया? नहीं, उनकी तो लोटू की पार्टी है, लोटे बिरंगी लोटे हर बाथरूम में होते, हर चौक में लोटे मिलते हैं, लोटू को कौन वोट देगा और उनके साथ खड़ा कौन होगा? शहीर सियालवी तो मतलब हमारे गिलगित में कहते हैं जो असल मर्द है उसको बीरू कहते हैं, बीरू बीरू ये बीरू कसम खुदा के बीरू बंदा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।